कांग्रेस की जिले भर में जन अधिकार यात्रा व भारत छोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की जयंती अवसर पर 17 सितंबर को मनगवा से हुई है, जो लगातार जिले के प्रत्येक गांव में पहुंच रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना है कि लोगों को उनके अधिकार से जुड़ी सुविधाएं प्रदान की जाए। यह यात्रा रीवा लोकसभा प्रत्याशी रहे सिद्धार्थ तिवारी की अगुवाई में निकाली जा रही है। यात्रा पूरे जिले में जाएगी। जिले की 827 पंचायत, नगर परिषद, वार्ड, नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में यात्रा पहुंचेगी। इस यात्रा का समापन 11 मार्च को पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक बड़े कार्यक्रम के साथ समाप्त होगी। जिले में सूखा की समस्या, एरा पशु, बिजली, रोजगार व अलग विंध्य प्रदेश जैसे 10 सूत्रीय मांगों को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा करने के साथ ही इस दौरान तहसील का घेराव भी किया जा रहा है और ज्ञापन सौंपा जा रहा है। मनगावा तहसील के घेराव के बाद अब सिरमौर तहसील का घेराव किया गया और 10 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन सौंपा। सत्रह सितंबर 2022 रीवा जिले की जनता ने मनगवा से एक प्रण लिया कि हम राहुल गांधी जी के सहयोग में जिला स्तरीय एक यात्रा निकालेंगे, जो कि हर पंचायत में जाएगी, हर नगर पंचायत के वार्ड में जाएगी और हर शहर के वार्ड में जाएगी और रीवा जिले की पूरी तहसीलों का घेराव होगा जन समस्याओं को लेकर। आज उसी तारतम्य में पूरे तहसील की 100 पंचायतों का और 2 नगर पंचायतों का दौरा करने के बाद हमने उनकी मांगों का एक निचोड़ बनाया और प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को वो मांग दी और बड़े कड़े शब्दों में बोला है कि अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी गई, जो कि वाजिब है, और किसान, मजदूर और हमारे युवा को न्याय अगर नहीं मिला तो हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे और अतिशीघ्र करेंगे। कितनी सूत्री मांगे हैं? 10 सूत्री हमारी मांगे हैं। इसमें एरा पशु से निवारण दिलाने का, इसमें बिजली की समस्या का है, एक विभाग जो कि बड़ा महीनता से चोरी करता है वो है पीडब्ल्यूडी विभाग, सारी की सारी जितनी एमडीआर और अंदर की रोडें हैं वो खराब हैं, उनके लिए हमने ज्ञापन दिया है। गरीबी रेखा में काट का गरीबी रेखा में नाम जुड़वाने के लिए हमने, आपने खुद देखा, हजारों नाम अभी दिए हैं। पेंशन के पैसे, आवास योजना के जितने भी पात्र हैं उनको आवास योजना के पैसे मिले और जो हमारी सरकार ने घोषणा की थी वैसे पैसे बढ़ करके सरकार ने मिले, इन सभी मांगों को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। आपने स्वयं देखा हजारों की संख्या में आज से सिरमौर तहसील का घेराव यहाँ लोगों ने किया है। और अगर, पुनः चेताना चाहता हूँ सरकार को आपके माध्यम से, कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो एक उग्र लाखों लोगों के आंदोलन के लिए सरकार तैयार है।